वेलकम स्टूडेंट, क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर पार्ट फोर है, ठीक है। जिसमें देखो, आपने पीछे जो लेक्चर कर लिया उसमें क्या है कि आपने निर्देशांक रूपांतरण समीकरण पढ़ी है। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या होती है कि किसी एक ही भौतिकीय घटना के या किसी बिंदु के प्रेक्षण आप दो निर्देश तंत्रों में लेते हो और उन प्रेक्षणों के मध्य संबंध स्थापित करने की जो समीकरणें होती है उन्हें आप क्या बोलते हो, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। एक भौतिकीय घटना थी जिसके आपने प्रेक्षण लिए किसी एस निर्देश तंत्र में, उसी भौतिकीय घटना के प्रेक्षण लिए आपने कौन से, एस प्राइम निर्देश तंत्र यानी एस डैश निर्देश तंत्र में। अब जो प्रेक्षण आए हैं दोनों अलग अलग निर्देश तंत्रों में उन प्रेक्षणों के मध्य संबंध स्थापित करना किस तरीके से गणितीय समीकरण के सहायता से, उसे क्या बोलते हो आप, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। अब इस निर्देशांक रूपांतरण समीकरण में देखो क्या करना है आपको। अगला जो आपका टॉपिक है, दो आपने कर लिए, एक तो जब निर्देश तंत्र स्थानांतरित गति करते हैं, एक जब आपके जो निर्देश तंत्र है वो एक समान अपेक्षिक गति करते हैं, यानी एक निर्देश तंत्र दूसरे से विवेग से एक समान विवेग से क्या जाता है, दूसरी तरफ जाता है। तीसरा है आपका कि जो आपके निर्देश तंत्र है वो कहीं जा नहीं रहे, एक जगह स्थिर है, ठीक है, या जब जा रहे हैं तो वो एक समान वेग से जा रहे हैं। तो कंडीशन आपकी बनती है कि दो निर्देश तंत्र आपको लेने हैं और उसको किस प्रकार से एडजस्ट करना है कि वो एक समान कोण से झुके हुए हो। एक समान कोण से झुके हुए होने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई निर्देश तंत्र एस है, मैं किसी निर्देश तंत्र एस की कल्पना करता हूँ, ये मेरा निर्देश तंत्र क्या है, एस, ठीक है, जिसके कंपोनेंट है ये एक्स है और ये क्या है, वही है। अब दूसरा निर्देश तंत्र मेरे को इस प्रकार से लेना है कि वो इससे कुछ कोण पे झुका हुआ हो, यानी इसकी अक्ष और उसकी अक्ष दोनों के मध्य कुछ ना कुछ कोण बनता हो। यानी आपके पास अगर ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब मेरे को जो दूसरा निर्देश तंत्र लेना है वो कुछ इससे थीटा कोण पे झुका हुआ लेना है, ठीक है, यानी उसके जो अक्ष है, उसके जो एक्सिस है वो कुछ क्या होने चाहिए, थीटा कोण पे झुके हुए होने चाहिए। तो मान लेता हूं मैं ये एक निर्देश तंत्र है दूसरा, जिसका ये एक्स कहलाता है एक्स प्राइम या एक्स डैश, उसका जो वाई एक्स होगा वो भी कहां होगा, थोड़ा झुका हुआ होगा इससे, ये उसका क्या कहलाएगा, वाई प्राइम। दो निर्देश तंत्र लेने हैं, ये तो कौन सा, एक्स वाई वाला एस, और दूसरा जब आपने थीटा कोण से इसको झुका दिया, इसी एक्स को आप थीटा कोण से ऊपर ले गए तो क्या बन गया, दूसरा निर्देश तंत्र बन गया। और उन दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, एक समान है, दोनों ओरिजिन को मैंने क्या जोड़ा हुआ है, एक बिंदु से जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये उसका ओ पॉइंट हो गया। अब ओ पॉइंट से एस का एक्स निकल रहा है और एस प्राइम का क्या निकल रहा है, एक्स डैश निकल रहा है, ये एक जगह रुके हुए हैं, ठीक है, इनके मध्य जो कोण बनता है वो थीटा बनता है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, अभी आपका थीटा होगा, ठीक है। अब बात करें, अभी अपन दो निर्देश तंत्रों की बात करें जिसके अंदर जो एक्स है सिर्फ दो ही है, एक्स और वाई। अगर त्रिविमीय होंगे, त्रिविमीय में कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, अगर आप बात करोगे त्रिविमीय होगा, त्रिविमीय जेड एक्सिस होता रहेगा, लेकिन होगा क्या कि जब दोनों निर्देश तंत्रों को आप थीटा कोण पे झुकाओगे तो उनके जेड अक्ष के मध्य कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके जेड और जेड डैश दोनों एक ही लाइन पे होंगे, दोनों के मध्य कोई कोण नहीं बनेगा। जब आप दो निर्देश तंत्रों को थीटा कोण पे झुका देते हो, अपने को डेरिवेशन करनी है सिर्फ x और y को लेके, अगर z की बात आ भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका z और z डैश दोनों क्या रहेंगे, एक ही लाइन पे रहेंगे, वो ही लेंगे नहीं वहाँ से, ठीक है, उनके मध्य कोई कोण नहीं बनता, क्यों, क्योंकि वो घटक है वो लंबवत बार की ओर है, उनके मध्य कोई कोण नहीं बनेगा, ठीक है। ये दोनों एक प्लेन के ऊपर होते हैं, ये एक समतल में होते हैं और वो क्या होता है, समतल से बाहर की तरफ होता है जेड एक्सिस, तो उसके मध्य कोई कोण नहीं बनता जेड और जेड डैश के मध्य। अब आपके पास दो निर्देश तंत्र थे, ये तो कौन सा था अभी एस और ये कौन सा है एस डैश, एस और एस डैश के अंदर फर्क क्या है, ये तो आपका एस हो गया, ठीक है। अब इसी एस को मैंने क्या कर दिया, इस एक्स को, ये उसकी एक्स है और ये कौन सी है, वाई, इसको मैंने क्या कर दिया, थीटा कोण पे थोड़ा झुका दिया इस तरफ, ठीक है, तो मेरे पास एक नया निर्देश तंत्र आ जाता है, ठीक है। अब वो तो नहीं रहा, एक नया निर्देश तंत्र आएगा, उसके हिसाब से अलग प्रेक्षण होंगे। अब मैं दो निर्देश तंत्रों के हिसाब से किसी बिंदु के प्रेक्षण लेना चाहता हूं, ठीक है, देखो तो किस प्रकार लेने हैं, आपको पता चल गया, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के ऊपर झुकाव के रूप में है, ठीक है, फ्रेम ऑन इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब दोनों के मध्य कोई ना कोई कोण बनता है। अब ये कोण कितना होगा, पाई बाई फोर होगा, पाई बाई सिक्स होगा, वो अपन आगे बात करेंगे। अभी के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एस निर्देश तंत्र है और ये एस प्राइम निर्देश तंत्र है, दोनों के मध्य कुछ कोण है थीटा, दोनों की अक्ष है वो कुछ थीटा कोण से आपस में संबंध बना रही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है,
निर्देशांक रूपांतर समीकरण फाइंड आउट करनी है। निर्देशांक रूपांतर समीकरण भौतिक है, किसी भौतिक या घटना के प्रेक्षणों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो उसके लिए मेरे को कोई भौतिक घटना चाहिए। भौतिक घटना को आप किस रूप में मानते हो, किसी बिंदु फॉर्म में मानते हो, यानी मैं मानता हूं कि इस मुक्त आकाश में एक बिंदु पी है, एक बिंदु क्या है पी। इस पी बिंदु के प्रेक्षण लेता हूं मैं किससे, एस निर्देश तंत्र से। एस निर्देश तंत्र से कौन से, एक्स वाई वाले से, ठीक है। इस बिंदु से जब क्या करता हूँ, इस बिंदु के प्रेक्षण लेता हूँ एक्स निर्देश तंत्र से, एस निर्देश तंत्र से, तो उसके कोऑर्डिनेट आते हैं एक्स कोमा वाई। इसी बिंदु के प्रेक्षण लेता हूँ मैं किस से, इस निर्देश तंत्र से, कौन से, एस डैश से, जिसकी अक्ष कौन सी है वाई प्राइम और एक्स प्राइम, जो एस से थीटा कोण के ऊपर उठी हुई है। जब पी बिंदु को नोटिस करता हूँ किस निर्देश तंत्र से, एस डैश निर्देश तंत्र से, तो इसके कोऑर्डिनेट आते हैं एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम, ठीक है। आगे बात समझो, इतनी क्लियर। अब आपके पास x और y है और x डैश और y डैश है, ये s निर्देश तंत्र के प्रेक्षण है, ये s डैश निर्देश तंत्र के प्रेक्षण है। इन दोनों के मध्य आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, वही आपकी निर्देशांक रूपांतरण समीकरण होगी। अब ठीक है, अब निर्देश तंत्र है किस प्रकार से, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, थीटा कोण के हिसाब से रिलेटेड है, एक दूसरे के मध्य संबंध किस हिसाब से स्थापित करेंगे, ठीक है। पीछे वाले में अपन ने बोला कि एक समान वेग से आगे जा रहा है, तो अपन ने v की फॉर्म में, वेग की फॉर्म में उनके मध्य निर्देशांक रूपांतर समीकरण बनाए। अब की बार बोल रहे हैं कि उनके मध्य थीटा कोण से कोई संबंध है, तो अपन जो निर्देशांक रूपांतर समीकरण बनाएंगे उनके मध्य कोई ना कोई थीटा की टर्म आएगी, ठीक है। तो आगे देखो इसको क्या करना है। अब इसको किस तरह डिनोट करता हूं मैं इस ग्राफ के अंदर, इस निर्देशांक में, तो देखो ये आपका पी है, तो इससे मैं कुछ लाइन खींचता हूं नीचे की तरफ, ठीक है। ये एस डैश निर्देश तंत्र की वैसे यहां पे होगी, ये लाइन खींचता हूं। अब मेरे को बात बताओ, एस निर्देश तंत्र के हिसाब से पी पॉइंट के मैंने क्या निकाली है, लंब और दोनों तरफ लंब डाल दिया एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ये दूरी कितनी होगी, इस बिंदु को अगर ए बोलूं, इस बिंदु को अगर बी बोलूं, तो ये दूरी जो आपकी है ये कितनी होगी, x होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये P बिंदु का कोऑर्डिनेट है, P बिंदु से नीचे की तरफ लंब डालोगे x एक्सिस पे तो यही निर्देशांक आएगा नीचे की तरफ, और ये दूरी कितनी होगी भी आपकी, y होगी कि नहीं होगी, ये दूरी कितनी कहलाएगी, ये दूरी आपकी क्या होगी, y। आगे बात समझ में। अब देखो ऐसे ही आपको किस से निकालने, पी बिंदु से लंब आपने एक तो डाला एस निर्देश तंत्र पे, अब पी बिंदु से लंब डालने आपको किस पे, एस डैश निर्देश तंत्र पे, तो वो कुछ इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। एक लाइन यहां पे डालो x प्राइम पे। अब बताओ मेरे को, कहा आपने लंब डाल दिया p से, एक तो s निर्देश तंत्र पे और एक s डैश निर्देश तंत्र पे, तो ये दूरी तो x, ये दूरी कितनी होगी ap, ये y होगी। अब बताओ ये दूरी कितनी होगी जो यहां से है, इसको मैं बोलता हूं c पॉइंट और इसको बोलता हूं d पॉइंट, ये दूरी कितनी होगी pc, pc कौन सी है, ये दूरी, ठीक है। P से लंब डाला आपने x प्राइम पे, तो ये OC दूरी कितनी होगी, ये OC दूरी, ठीक है, ये x प्राइम होगी कि नहीं होगी, OC दूरी है, O से C पे डाला आपने, ठीक है, P बिंदु से यहाँ पे लंब डाला है, तो ये कितनी होगी OC दूरी, x प्राइम होगी, और ये दूरी जो है, नहीं OC दूरी आपकी क्या होगी, x प्राइम, और ये दूरी जो है OD या PC, ठीक है, ये कौन सी होगी, y प्राइम होगी कि नहीं होगी, ये y प्राइम होगी, और ये कौन सी होगी, x प्राइम, यानी x डैश, जैसे मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि आपकी जो दूरी OA है, ठीक है, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताता हूँ, एफ ओ आर, s निर्देश तंत्र में बताओ कि ये जो OA दूरी है ये किसके इक्वल होगी, BP के इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो BP के इक्वल होगी, और है कितनी है x, क्योंकि आपने S निर्देश तंत्र में P से लंब डाले, तो ये कितनी होगी X, क्योंकि ये दूरी है ना बिंदु P की X दिशा में, और ये Y दिशा में दूरी है बिंदु P की, किस निर्देश तंत्र में, S निर्देश तंत्र में, S निर्देश तंत्र में बिंदु P की लंबवत दूरी कितनी है Y, तो इसको किससे डिनोट करूँगा, ओ बी इक्वल टू ए पी, तो ओ बी इक्वल टू ए पी कितना आएगा, वाई आएगा कि नहीं आएगा, ए पी और ओ बी कितना आया, वाई। ऐसे ही आपको निकालना है किस निर्देश तंत्र में, एस डैश में, इन एस प्राइम निर्देश तंत्र, इसमें बताओ एक्स प्राइम की दूरी, ठीक है, एक्स प्राइम पे आपने लंब डाला पी बिंदु से, तो आपकी जो ओसी दूरी है और साथ में पी डी दूरी है,
दोनों एक दूसरे के समांतर होगी, ओ सी और पी डी कितनी होगी, बी एक्स प्राइम होगी कितनी होगी, होगी वैसे ही पी सी दूरी है और आपकी जो ओ डी दूरी है ये कितनी होगी, ये वाई प्राइम होगी कितनी होगी। तो इसको मैं बोलता हूँ समीकरण एक, इसको बोलता हूँ समीकरण दो। एक और समीकरण दो क्या है, एक समीकरण क्या कहलाती है, प्रेक्षण किसके, एस निर्देश तंत्र के। दूसरी समीकरण किसको शो करती है, बिंदु के प्रेक्षण किस निर्देश तंत्र से, एस प्राइम से। पहले ये देखो ये कहाँ से क्लियर हो रही है, ये ठीक है क्या, कहाँ से आई है आपको पता हो गई, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब एक समीकरण और दूसरी समीकरण के मध्य आपको संबंध स्थापित करना है, क्योंकि ये दोनों निर्देश तंत्रों के प्रेक्षण है, इनके मध्य अगर आप संबंध स्थापित कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण आ जाएगी। तो इसके पहले आपको देखो क्या करना होगा, इस इक्वेशन में इस ग्राफ में आपको कुछ ज्यामितीय कार्य करना होगा, कुछ ज्योमेट्रिकल वर्क करना होगा। वो ज्यामितीय कार्य क्या है कि आपको बिंदु ए से लंब डालना है किसके ऊपर, पी डी के ऊपर, किसके ऊपर, पी डी के ऊपर, किससे, ए बिंदु से। तो ए बिंदु से लंब डालूंगा मैं किसके ऊपर, पी डी के ऊपर। डालते हैं देखो, यहां से ए बिंदु से आपने लंब डाला किसके ऊपर, बी पी डी दूरी के ऊपर लंब डाला है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो ए से आपने लंब डाला पी डी के ऊपर, 90 डिग्री का कोण बना, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब एक बात बताओ, अगर आपने पी डी के ऊपर लंब डाला है तो पी डी और आपकी जो ओ सी है ये दोनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, पी डी और ओ सी दोनों एक दूसरे के समांतर है, यानी एक तो ये पी डी है और एक क्या है ओ सी। आपने एक बिंदु से इनके ऊपर एक लंब डाला है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। दो समांतर रेखाओं के ऊपर अगर एक लाइन से आप लंब डालते हो तो जो इसके ऊपर लंब है वो इसके ऊपर भी लंब होगा, यानी ये अगर 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा, भाई 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब देखो आगे, तो अब देखो आपको त्रिभुज लेने हैं कुछ, ठीक है, उन त्रिभुजों के अंदर आपको ज्यामितीय कार्य करने हैं। तो पहला त्रिभुज लेता हूं मैं, ठीक है, पहला त्रिभुज आपके पास है त्रिभुज, इन बिंदुओं को नाम देता हूं, ये बिंदु मैं बोल देता हूं ई है और ये बिंदु बोल देता हूं मैं क्या है, एफ है। आगे बात समझो, अब देखो ये त्रिभुज दिख रहा है आपको ए ओ ई, ये त्रिभुज ए ओ ई, इस त्रिभुज में देखो ए ओ ई में दिख रहा है आपको त्रिभुज ए ओ ई, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये आपका ओ है, ये ए और ये ई दिख गया। अब देखो अगर ये थीटा है ये 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसकी बात आपको नहीं करनी, एक बार इसको छोड़ देते हैं, पता होना चाहिए ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर आप लगाओ साइन थीटा, साइन थीटा लगाओगे तो क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण क्या, तो इस त्रिभुज में लंब कौन सा होगा, तो थीटा कोण के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है, तो ए ही आपका क्या हो जाएगा, लंब डिवाइड में कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वह कर्ण होता है, तो इस 90 के सामने क्या है, ए हो गया क्या, तो ये क्या हो गया कर्ण, ठीक है। ए ही आपको पता है क्या, नहीं पता, ए ओ बताओ कितना होगा, पहले समीकरण लगाओ, पहले समीकरण में ए ओ देखो, ओ ए कितना है एक्स, तो यहां पर लिख दो एक्स, यहां से ए ही कितना आ जाएगा एक्स साइन थीटा। आगे बात समझ में, इसी त्रिभुज में लगाओ कोस थीटा, इसको मैं बोल देता हूँ 3A इक्वेशन, तीसरी समीकरण का पहला समीकरण, उसमें देखो कोस थीटा लगाओ, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब एक बात बताओ, थीटा के सामने वाला तो लंब हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, तो बचा कौन सा, OE, ये क्या कहलाएगा आपका, आधार, तो OE आपका क्या हो गया, आधार, आधार बटे कर्ण, कर्ण कौन सा होगा, AO, तो AO आपका क्या हो गया कर्ण, OE आपको पता नहीं, ए ओ आपने अभी बताया कितना है एक्स है, ए ओ कितना है, ओ ए एक्स है, यहाँ से ओ ई कितना आ जाएगा एक्स कोस थीटा, इसको मैं समीकरण दे देता हूँ 3B नाम, ठीक है। ये आपके पास दो इक्वेशन आई है, इसको मेरे को अलग रखना है, एक बार इतनी समीकरण समझ में आ गई कहाँ से आई है, उसको मैं एक बार अलग रख लेता हूँ, इसके अंदर रख लेता हूँ,
आपके पास समीकरण नहीं है, ए ई इक्वल टू एक्स कोस थीटा और आपका जो ओ ई है यह एक्स साइन थीटा, ए ई आपका एक्स है साइन थीटा है और ओ ई आपका क्या कहलाता है एक्स है कोस थीटा। इतनी क्लियर, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज और लेना आपको, दूसरा त्रिभुज देखो कौन सा आपके पास, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है ए ई ए एफ पी, ए एफ पी त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको, ये बड़ा ए एफ पी या उसको बोल सकते हो पी ए एफ। इस त्रिभुज को एक बार मैं बाहर निकाल देता हूँ, त्रिभुज पी ए एफ, इस पूरी संरचना को एक बार बाहर निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये F है, ये P है, ये E है, ये क्या है A है, ये आपको थीटा एंगल दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है थीटा दे रखा है। अब मैंने बोला कि ये थीटा है तो ये तो लंब ज़्यादा था आपने, ये तो कितना होगा 90 होगा, ये थीटा है ये 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये इतना एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखो ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 90, ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस थीटा है तो 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करोगे तो ये कितना आएगा थीटा आएगा कि नहीं आएगा, ये कौन जो दिख रहा है आपको, ये थीटा आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ पे देखो ये थीटा है, ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये पूरा 90 है, ये पूरा क्या है 90 है कि नहीं है, ये पूरा 90 है तो वो कितना बचेगा 90 माइनस थीटा से, ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बचेगा थीटा बचेगा। और ये आपके पास एक त्रिभुज आ गया, त्रिभुज पी ए एफ, इस पी ए एफ के अंदर देखो ये ए है, वापस इसमें साइन थीटा कोस थीटा लगा दो तो साइन थीटा लगाओ, वही लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब होता है तो पी एफ आपका क्या हो गया लंब डिवाइड में कर्ण, 90 कौन सा है इसके अंदर ये बताओ, 90 डिग्री कौन सा है, ये 90 डिग्री है क्या, 90 डिग्री कौन सा है इसके अंदर, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, तो ये आपका कितना हो गया कोण 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा कर्ण, थीटा के सामने वाला आपका लंब हो गया और 90 के सामने वाला आपका कर्ण हो गया, तो 90 के सामने क्या है पी ए है क्या, तो पी ए आपका क्या हो गया कर्ण। अब आपके पास देखो पी एफ तो है नहीं, पी ए कितना है समीकरण से देखो, समीकरण से पी ए, पी ए कितना है ए पी कितना है वाई, तो पी ए कितना हो गया वाई, यहाँ से पी एफ कितना आ गया वाई साइन थीटा आ गया, इसके अंदर वापस कॉस थीटा लगा दो, इसको मैं बोलता हूँ फोर्थ बी नहीं फोर्थ ए, वापस इसमें कॉस थीटा लगाओ इस त्रिभुज में, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो देखो ये 90 है, 90 के सामने वाला तो कर्ण हो गया यानी पी ए तो आपका कर्ण है, थीटा के सामने वाला आपका क्या हो गया लंब हो गया यानी पी एफ आपका लंब है, तो बचा क्या ए एफ, ए एफ आपका क्या होगा आधार, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ए एफ आपका आधार हो गया, कर्ण आपका क्या है पी ए, पी ए का मान अभी अपन ने बताया कितना होगा अभी पी ए वाई, पी ए का मान वाई है तो यहाँ से देखो ए एफ बटा वाई, यहाँ से ए एफ कितना आ जाएगा वाई कोस थीटा। इस समीकरण को बोलता हूँ फोर्थ बी नाम, आपके सिर्फ काम की है फोर्थ ए और फोर्थ बी, इसको मैं एक बार हटा के यहाँ पे ले आता हूँ, तो यहाँ पे देखो पी एफ आपका क्या हो गया वाई साइन थीटा और जो आपका क्या है ए एफ है वो कितना हो गया वाई कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ये समीकरण कहाँ से आई है, दो त्रिभुज लिया आपने, एक तो आपने ओ ए, कौन कौन सा लिया है, एक तो ए ओ ई और दूसरा लिया आपने पी ए एफ, ठीक है। इसको एक बार साथ साथ में नोट कर देता हूँ, उसके बाद देखो इसमें देखो आपके पास जो आपकी संरचना दे रखी है आपको, जो आपको ज्यामिति दे रखी है, इसमें क्या आपको दिख रहा है कि ये आपकी जो समीकरण है वाई प्राइम, इसमें देखो ये जो आपको दूरी दिख रही है क्या पीडी, ठीक है ये दूरी कितनी है पीडी, पीडी किसके इक्वल है, अभी यहाँ से देखना पीडी किसके इक्वल है एक्स प्राइम के इक्वल है, पीडी किसके इक्वल है
एक्स प्राइम के, तो पी डी को मैंने बोल दिया अभी एक्स प्राइम के इक्वल है, ठीक बात है। अब पी डी को अगर अपन समद्विभाजित करें, समद्विभाजित या उसको विभाजित करें, इसका आपको विभाजन दिख रहा है पी डी का, कि पी डी दो पार्ट में विभाजित हो रही है, पी एफ प्लस एफ डी। पी डी को आप दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो अगर नहीं कर सकते, एफ डी प्लस पी एफ। तो पी डी को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, एक तो पी एफ प्लस एफ डी, ये किसके इक्वल, एक्स प्राइम के इक्वल। अब पी एफ और एफ डी के मान है क्या देखना है भैया आपके पास, पी एफ का तो ये था, ठीक है, पी एफ का ये था क्या, वाई साइन थीटा, लगाओ वाई साइन थीटा प्लस एफ डी। एफ डी का मान आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, वो देखो एफ डी का मान, एफ डी का मान तो कहीं पे नहीं है, तो अपन ज्यामिति में देखते हैं एक बार वापस। तो इसमें देखो ज्यामिति में ये जो दूरी है एफ डी, वो कुछ लगभग इसके इक्वल है कि नहीं है, ओ ई के, एफ डी जो दूरी है वो इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी, एफ डी आपके पास जो दूरी दिख रही है वो लगभग इसके इक्वल है, ओ ई के इक्वल है, तो एफ डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ई लिख सकता हूँ, तो एफ डी की जगह मैंने लिख दिया ओ ई। अब देखो ओ ई का मान है क्या आपके पास, तो ओ ई का मान है कितना है, एक्स कोस थीटा, तो ओ ई की जगह लिख दिया मैंने एक्स कोस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा इक्वल टू एक्स प्राइम, या इसको लिख सकता हूँ एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये आपके पास आती है इक्वेशन 5a, इक्वेशन 5a। आगे बात समझो, इसी तरह और देखो क्या कर सकते हो आप, और किस किस को डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें देखो ये जो आपको और दिख रही है, ये जो दूरी है OC, ठीक है, इसमें और देखना क्या होगा, OC दूरी देखो, OC किसके इक्वल है, अभी इस समीकरण में दिख रही है क्या, क्या पे OC, ये था OC भी किसके इक्वल है, एक्स प्राइम के इक्वल है, OC किसके इक्वल है, एक्स प्राइम के, तो OC इक्वल टू एक्स प्राइम। अब OC को भी आप दो भागों में बांट सकते हो, OC को किस प्रकार दो भागों में बांटोगे, भी OE प्लस EC, OE प्लस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो देखो इसमें क्या करोगे आप, OE प्लस में EC, तो करो डिवाइड, एक्स डैश OC होगा OE प्लस में EC, या एक काम करो आप दूसरी को भाग कर लो, एक्स प्राइम का तो अपन ने बना दिया, अब अपन वाई प्राइम की बात करते हैं, एक्स प्राइम का तो अपन ने कर लिया, वाई प्राइम के अंदर देखो, वाई प्राइम के अंदर देखो ये आपको दूरी दिख रही है AF, AF, AF दूरी ये वाली, ये किसके इक्वल है, ये E पॉइंट है और ये F पॉइंट है, AF कहीं पे दिख रही है क्या, AF है क्या कहीं पे, ये रही AF कितनी है, वाई कोस थीटा, AF कितनी है, वाई कोस थीटा, तो AF, AF के मैंने बोल दिया वाई कोस थीटा। अब AF भी देखो दो टुकड़ों में भागी तोड़ रही है क्या, तो AF को मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ, ए ई प्लस ई एफ, ए एफ को कितने भाग में तोड़ सकता हूँ, ए ई प्लस ई एफ, तो ए एफ को मैंने दो भाग में तोड़ दिया, ए ई प्लस में ई एफ इक्वल किसके अभी, वाई कोस थीटा। ए ई और ई एफ दोनों के मान है क्या, ए ई का मान देखो एक्स साइन थीटा है, रख दो, ए ई का मान एक्स साइन थीटा प्लस में ई एफ, ई एफ का मान देखो क्या है, ई एफ कहीं पर दिख रहा है क्या आपको, तो ई एफ तो नहीं है, तो ई एफ का मान किसके इक्वल आएगा, तो ई एफ देखो ई एफ लगभग लगभग किसके इक्वल दिख रही है आपको, ओ सी ई एफ और पी सी दोनों एक समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, पी सी ई एफ और ओ डी तीनों एक समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, तो इनको लगभग एक समान मान सकता हूँ, पी सी को ई एफ को और ओ डी को लगभग लगभग एक समान मान सकता हूँ। तो मेरे पास अगर ई एफ नहीं है तो ई एफ की जगह या तो पी सी दूरी रख दूँ या ओ डी दूरी रख दूँ, तो ई एफ की जगह मैं रख सकता हूँ पी सी इक्वल टू वाई कोस थीटा। अब पी सी का मान है क्या मेरे पास देखो, तो पी सी का मान है कितना है, वाई प्राइम में, तो पी सी की जगह मैंने लिख दिया वाई प्राइम, तो एक्स साइन थीटा प्लस में वाई प्राइम इक्वल टू वाई कोस थीटा। यहाँ से अगर वाई प्राइम का मान निकालना चाहूँ, यहाँ से अगर किसका मान निकालना चाहें, वाई प्राइम का, तो वाई प्राइम का मान कितना आ रहा है अभी, वाई कोस थीटा इस साइड है, एक्स साइन थीटा को उसके क्या भेज दूँ माइनस में, तो वाई कोस थीटा माइनस में एक्स साइन थीटा, ये आपकी समीकरण कहलाती है 5b। बाकी सारी इक्वेशन को मिटा दो, आपको दो इक्वेशन दिख रही है, एक तो आपकी क्या है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, दूसरी है वाई प्राइम इक्वल टू वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ये क्या कहलाती है। देखो एक्स प्राइम और वाई प्राइम क्या थे, निर्देशांक, किस निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में, उसका संबंध अपन स्थापित कर रहे हैं एक्स और वाई के साथ, एक्स और वाई क्या है, एस निर्देश तंत्र के प्रेक्षण बिंदु,
एस डैश निर्देश तंत्र का संबंध अपन एस निर्देश तंत्र के प्रेक्षण बिंदु के साथ कर रहे हैं, और वो भी किस फॉर्म में, थीटा फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो निर्देश तंत्र है वो एक दूसरे के साथ थीटा कोण पे झुके हुए थे, एक दूसरे के साथ कितने कोण पे झुके हुए थे, थीटा कोण पे झुके हुए थे। तो दोनों प्रेक्षणों के मध्य संबंध कोण के रूप में आ रहा है, कोण के संबंध में आ रहा है, तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। एक निर्देश तंत्र के प्रेक्षणों का संबंध दूसरे निर्देश तंत्र के प्रेक्षणों के साथ, वो भी किस संबंध में, किस तरह, थीटा कोण के रूप में। तो ये क्या कहलाता है, अभी एक समान कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। दोनों निर्देश तंत्रों के प्रेक्षणों के मध्य आप निर्देशांक संबंध व्युत्पन्न कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। इससे आगे आप लिखोगे कि जो आपकी समीकरण 5a और 5b है, समीकरण 5a और 5b एक समान कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। इससे आगे और देखो आपको क्या करना होगा, ये तो होगी स्थिति रूपांतरण समीकरण, ये तो आप स्थितियों के बारे में रूपांतरण निकाल रहे हो। अब आपको किसके अंदर निकालना होगा, वेग का रूपांतरण भी एक समीकरण निकालना होगा। तो उससे आगे देखो क्या करना है आपको। वेलकम स्टूडेंट, देखिए आपने यहाँ तक कर लिया अभी तक, एक समान कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। इसमें आपने दो इक्वेशन निकाली थी अभी इससे जस्ट पहले, दो इक्वेशन कुछ इस टाइप से थी, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा, और वाई प्राइम किस प्रकार से थी, वाई कोस थीटा माइनस में एक्स साइन थीटा। ये आपने समीकरण निकाली थी, इनको मैं समीकरण 5 नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी समीकरण 5 थी। अब इन समीकरण 5 को इससे आगे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ तक पूछे, कई बार पूछता है कि सीधा ही पूछ लिया जाता है कि एक समान कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण निकालो, तो आधी डेरिवेशन नंबर्स के हिसाब से होगा। अगर कम नंबर किया तो आपको यहाँ तक करनी है, अगर ज़्यादा नंबर का लेंथ ही दिया हुआ है क्वेश्चन तो उसको आगे तक सॉल्व करना होगा, जो इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या लिखना होगा इससे आगे, समीकरण 5 को हम निम्न रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं, समीकरण 5 को हम क्या कर सकते हैं, निम्न रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो आप, ये आपके पास इक्वेशन थी, ये था आपके पास, ये एस निर्देश तंत्र था एक्स वाई, और ये एक्स प्राइम, ये पॉइंट ओ था, और यहाँ पे एक अक्षीय सोर थी जिसका नाम क्या था, वाई प्राइम, ठीक है। ये आपकी ये थी, यहाँ पे ये कोण थीटा था, ये कोण भी कितना था, थीटा। एक बात देखो, ये अगर 90 है, x और y के बीच का कोण 90 है, तो x प्राइम और y प्राइम के बीच का भी कोण क्या होगा, 90 होगा। आगे बात समझ में, तो देखिए किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं आप, पहली इक्वेशन लिखो, यहाँ पे देखो x प्राइम दिख रहा है अभी, उसके आगे क्या है, x cos थीटा, तो x cos। अब थीटा क्या है अभी, थीटा कौन सा एंगल है, कहाँ पे दिख रहा है आपको थीटा, एक थीटा तो ये था और एक थीटा ये था, दोनों ही समान है, तो थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एक्स प्राइम ओ एक्स, ये एंगल है क्या थीटा, एक्स प्राइम ओ एक्स, तो थीटा के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्राइम ओ एक्स। ये बाल वाले स्मॉल होंगे, और ये जो अंदर वाला जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ ये कैपिटल में लिखना आपको, ठीक है, क्योंकि ये अक्ष को डिनोट करता है, ये अक्षों को प्रदर्शित करता है, और ये जो स्मॉल वाले हैं ये प्रेक्षण बिंदुओं को निर्देशित करते हैं, प्रेक्षण बिंदुओं को निरूपित करते हैं। उससे आगे आपके पास क्या है, वाई साइन थीटा, थीटा आपका कौन सा, एक्स प्राइम ओ एक्स, ठीक है। अब देखो एक बात दो आपको इक्वेशन बताता हूँ, ये जो आपकी इक्वेशन है देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, और कोस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है अभी, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ये दो आपको इक्वेशन याद रखनी है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा पहला क्वाड्रेंट है, और कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, माइनस का होता है, ठीक है। तो कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पे देखो एक्स कोस एक्स प्राइम ओ एक्स, अगर मेरे को साइन को कोस में बदलना हो तो साइन को कोस में बदलेंगे तो क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या है, एक्स प्राइम ओ एक्स, एक्स प्राइम ओ एक्स हो गया। चलो तो एक्स कोस एक्स प्राइम ओ एक्स प्लस में वाई ये कितना होगा, यहां पे देखना एक्स और वाई है, ये कौन कितना 90, यहां से एक एक्स पास हो रही है क्या, एक्स प्राइम, ये कितना थीटा,
ये पूरा 90 में से थीटा माइनस करना है, इस पूरे 90 में से ये थीटा माइनस करना है, यानी एक्स ओ एक्स माइनस करना है, 90 में से एक्स ओ एक्स माइनस करना है, तो क्या बचेगा, एक्स प्राइम ओ वाई बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वाई कोस एक्स प्राइम ओ वाई, अरे सही है क्या, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी एक नई इक्वेशन होगी, कौन सी, एक्स प्राइम की। एक्स प्राइम को आपने इस प्रकार से भी निरूपित कर सकते हो। अब उससे आगे आती है सेकंड इक्वेशन, इसको मैं बोलता हूँ 6a नाम। उससे आगे आपकी आती है वाई प्राइम वाली, तो वाई प्राइम में देखो स्मॉल वाई इक्वल टू क्या है, वाई कोस थीटा, वाई कोस थीटा कौन सा, अब देखो एक्स वाले में तो एक्स वाला लेना है, एक्स प्राइम की बात करें तो एक्स वाला लेना है, कौन सा, एक्स एक्स वाला, एक्स प्राइम ओ एक्स। अगर वाई वाली बात करें तो देखो कौन सा लेना है, वाई ओ वाई, वाई प्राइम ओ वाई, वाई वाले में जब करोगे तो ये एंगल लेना है भी, वाई प्राइम ओ वाई, एक्स वाले में करोगे तो एक्स प्राइम ओ एक्स। ये कैसे होंगे, इनका बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। वाई वाला कौन सा लोगे, वाई प्राइम ओ वाई, तो मैं कोस थीटा की जगह लिख रहा हूँ वाई प्राइम ओ वाई, सही है क्या भी, ठीक है। आगे क्या है, माइनस एक्स साइन थीटा, तो मैं क्या करूँ, इस माइनस साइन को साइन के साथ जोड़ दूँ, ठीक है, एक्स को प्लस का रखूँ और माइनस को आगे साइन थीटा के साथ भेज दूँ। माइनस को किसके साथ भेज दिया मैंने, साइन थीटा के साथ भेज दिया, ये तो पहली इक्वेशन से तो अपन ये बना दी, दूसरी समीकरण से अपन आगे बना दिया, तो माइनस साइन थीटा, थीटा कौन सा ले दें, क्या कर रहे हो अभी आप, साइन को माइनस को किसके साथ भेज रहे हो, साइन थीटा के साथ, और बाद प्लस का रख रहे हो, तो माइनस का साइन थीटा, थीटा कौन सा ले रहे हैं, वाई प्राइम ओ वाई, तो वाई प्राइम ओ वाई, ठीक है भाई, सही है। आगे देखो वाई कोस वाई प्राइम ओ वाई प्लस में एक्स माइनस साइन थीटा को किस तरह कोस में चेंज करोगे, कोस के अंदर परिवर्तित करने का क्या फॉर्मूला है, कोस 90 प्लस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस साइन थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कोस 90 प्लस थीटा, अब थीटा कौन सा है, वाई प्राइम ओ वाई, तो वाई प्राइम ओ वाई। आगे क्या बात समझ में भी आपको, माइनस साइन थीटा को कोस में बदलना हो तो कोस 90 प्लस थीटा कर दो माइनस साइन थीटा की जगह, यहां से देखो वाई कोस वाई प्राइम ओ वाई प्लस में एक्स 90 प्लस वाई प्राइम ओ वाई, ये आपको देखो किस तरीके से देखना है, क्या वाई प्राइम ओ वाई ये बड़ा है क्या भाई, ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये वाई प्राइम है, दिख रहा है क्या, ये एंगल थीटा है, यानी वाई प्राइम ओ वाई, वाई प्राइम ओ वाई ये थीटा है, इसके साथ आपको क्या जोड़ना है, 90 और जोड़ना है, तो ये एंगल 90 है क्या भी, और ये पूरा कितना हो जाएगा अभी एक बात बताना, 90 प्लस थीटा, और इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, वाई प्राइम ओ एक्स, वाई प्राइम ओ एक्स, ये थीटा, ये पूरा 90 और ये पूरा कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, वाई प्राइम ओ एक्स, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस वाई प्राइम ओ एक्स, अंदर वाले कैपिटल लिखने अभी, अंदर वाले क्या लिखने हैं, कैपिटल। तो देखो आपने किया क्या है, समीकरण 5 को दो रूप से चेंज कर दिया, ऊपर वाला 6a नाम दिया है तो इसको क्या नाम दे दूंगा, 6b, तो आप इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये तो होगी द्विविमीय तंत्र के लिए, द्विविमीय तंत्र में एक्स प्राइम होगा वाई प्राइम होगा, अगर त्रिविमीय तंत्र की बात कर दी जाए, त्रिविमीय तंत्र का आपको बोल देगा, त्रिविमीय तंत्र के लिए भी ऐसे निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला है, देखो क्या करना है, आपको क्या निकलनी है, एक्स प्राइम और वाई प्राइम और जेड प्राइम, तीन निर्देश तंत्र वाला बता दिया ना, अब बोला तीन निर्देश तंत्र वाले के लिए बताओ, तो सबसे पहले क्या है, एक्स प्राइम छोटा आएगा, इसकी बनानी है इक्वेशन, तो कुछ नहीं, सबसे पहले क्या आएगा, एक्स लिख दो, इसके साथ कोस लगा दो, इसमें देखो आपने ये बनाई क्यों है, ये सीधी पड़ी तो ठीक थी, ये क्यों बनाई है, इसमें देखो आप सारी जो चढ़ मारी है, सारी जो पद आ रहे हैं सारे किस में आ रहे हैं, कोस में आ रहे हैं, सारे पद किसके अंदर है, कोस में है, इसलिए अपने को सिंपलीफाई करने के लिए अपन ने ये समीकरण बनाई है, इसको अच्छी तरह आप सिंपल कर सकते हो, ठीक है, तो ये कोस में बनाने के लिए अपन ने ये समीकरण बनाई है। अब देखो इसको सिंपल करने का क्या फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एक्स कोस, एक्स प्राइम में सबसे पहले क्या आएगा, एक्स कोस लिख दो, अब एक्स प्राइम है ना, सबसे पहले क्या लिखो, एक्स प्राइम, बीच में ओ लगा दो, और किसके साथ बना दो, एक्स के साथ, तो कैपिटल का लिख दो एक्स, आगे लिख दो वापस वाई, देखो
एक्स लिखो, वाई लिखो, एक्स के साथ कोस लगा दो, वाई के साथ भी कोस लगा दो, और जेड है तो जेड के साथ भी क्या लगा दो, कोस लगा दो। अब कुछ नहीं करना, एक्स प्राइम का साथ बना रहे हो एक्स के साथ, तो ब्रैकेट में लिखो एक्स प्राइम, बीच में लगा दो ओ, और किसके साथ बना रहे हो एक्स के साथ, तो कैपिटल का एक्स लगा दो, बाद स्मॉल का होगा, अंदर का किसका होगा कैपिटल का। एक्स प्राइम का रिलेशन बना रहे हो वाई के साथ, तो सबसे पहले एक्स प्राइम, बीच में ओ लगा दो, और किसके साथ बना रहे हो वाई के साथ, तो कैपिटल का वाई लिख दो अंदर, तो एक्स प्राइम ओ वाई। जेड के साथ बना दे, जेड के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, किसका एक्स प्राइम का रिलेशन बना दे जेड के साथ, तो ब्रैकेट में एक्स प्राइम ओ लिखो, बीच में ओ लगाओ, आगे लिख दो जेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना है वाई प्राइम का, तो वही बात है, एक्स कोस लिखो प्लस में वाई कोस लिखो प्लस में जेड कोस लिखो। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है वो देखो, वाई का रिलेशन बना दो एक्स के साथ, तो वाई प्राइम लिख दो, बीच में ओ लगा दो, और अंदर लिख दो एक्स, बार बड़ा स्मॉल का होगा, अंदर किसका होगा भी कैपिटल का, बस यही ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। अब वाई प्राइम का रिलेशन बना दो वाई के साथ, तो भी ब्रैकेट में वाई प्राइम, बीच में ओ, और बाद में वाई। वाई प्राइम का रिलेशन बना दो जेड के साथ, तो ब्रैकेट में वाई प्राइम पहले, बीच में ओ आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा जेड, आगे बात समझो। इसी तरह जेड प्राइम का बना दो, बताना एक्स कोस प्लस में वाई कोस प्लस में जेड कोस। एक्स जेड का रिलेशन एक्स के साथ, तो पहले भी जेड आ जाएगा, बीच में ओ लिख देना, अंदर एक्स लिख देना। जेड का रिलेशन वाई के साथ, तो जेड प्राइम ओ वाई, जेड का जेड के साथ बनाओगे तो जेड प्राइम ओ जेड। अब देखो बाहर जेड है और अंदर भी जेड है, तो अंदर वाले को कैपिटल दिखाने के लिए इसके साथ एक बीच में कट लगा देना, इसे बोलते हैं जेड कट, ठीक है। इसको क्या बोल देना, जेड लगा देना। बार भी ये सेम है, यहाँ पे बार भी जेड है, अंदर भी जेड आ जाएगा, तो उनको कैपिटल और स्मॉल का पता नहीं चलेगा। इसमें तो स्मॉल और कैपिटल का पता चल जाता है वाई और एक्स में, तो इसमें नहीं पता चलता कौन सा स्मॉल है कौन सा बड़ा है। तो जो बड़ा है उसके लिए क्या लगा देना, कट लगा देना। ये जो इक्वेशन बन रही है इसे बोलते हैं त्रिविमीय तंत्र के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। कब? जब आपके निर्देश तंत्र एक समान कोण से झुके हुए होंगे, एक समान कोण से क्या होंगे, झुके हुए होंगे। ये तीन इक्वेशन है आपकी मेन, तीन इक्वेशन बना लोगे वो आपको दिखाने के लिए। उसके बाद सीधी आपको ये बनानी है, सिंपल है, बना सकते हो। अब देखो इससे आगे क्या करना है, ये तो आगे स्थिति के रूपांतरण समीकरण भी मैंने पहले ही बोला था। अभी आपने किसकी निकाली है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम की निकाली है, और एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है क्या, स्थितियां हैं, प्रेक्षण है, किसके, स्थितियों के, उनकी पोजिशन के। अभी उनकी आप वेग के नहीं निकाले आपने, आपने उनकी वेग के लिए रूपांतरण समीकरण नहीं निकाला, आपने उनके त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण नहीं निकाला, ठीक है। तो इसको देखो मैं और किस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, मैं इसके बनाना चाहता हूँ मैट्रिक्स। अगर आपने मैथ ले रखी है तो आपको मैट्रिक्स बनाना बहुत आसानी से आता होगा। इस तरफ क्या है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, तो मैं इनको एक मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, एक्स प्राइम स्मॉल एक्स वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, ठीक है। अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको एक्स वाई जेड, इनकी एक अलग मैट्रिक्स बनेगी, और ये जो है इनकी एक अलग मैट्रिक्स बनेगी। इनकी मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, कोस एक्स प्राइम ओ एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स का गुणांक, कोस वाई प्राइम ओ एक्स, नीचे क्या है, कोस जेड प्राइम ओ एक्स। वैसे यहाँ पे वाई का गुणांक क्या होगा, देखो बना देता हूँ जल्दी जल्दी, वाई प्राइम ओ वाई, यहाँ पे एक्स प्राइम है ना, वाई प्राइम ओ वाई, और कोस जेड प्राइम ओ वाई, यहाँ पे कोस एक्स प्राइम ओ जेड, जेड के गुणांक एक साइड लिख दो, वाई एक्स के सारे गुणांक एक साइड लिख दो, वाई के सारे एक साथ लाइन में, और जेड के सारे एक साथ लाइन में, तो कोस वाई प्राइम ओ जेड और कोस जेड प्राइम ओ जेड। ये किसके गुणांक लिखे आपने, एक्स वाई जेड, तो इसकी एक अलग और मैट्रिक्स बन जाएगी इस साइड, एक्स वाई जेड। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिख रही आपको, ठीक है, ये एक तीन गुणा तीन की मैट्रिक्स है, तीन गुणा तीन की मैट्रिक्स है कि नहीं है। इसे बोलते हैं गुणनी मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, गुणन मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम होता है कोसाइन मैट्रिक्स। ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रही है इसे बोलते हैं गुणन मैट्रिक्स, या इसका नाम होता है कोसाइन मैट्रिक्स।
इसका नाम क्या होता है, कोसाइन मैट्रिक्स। इनको जब आप गुणा करके देखोगे तो वापस ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये तो होगी आपकी स्थितियों के लिए गुणनन मैट्रिक्स, एक समान कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों में। अब आपको निकालनी है वेग की समीकरण। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक चीज़ और मान लो कि ये जो समीकरण दिख रही है आपको, ये जो मैट्रिक्स दिख रही है ये वाली कोस एक्स प्राइम ओ एक्स इस मैट्रिक्स को आप एक नई मैट्रिक्स का नाम दे दो। इस मैट्रिक्स को एक मैं नई मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मैट्रिक्स हो जाएगी आई बार लिखने में। तो मैं इसको स्मॉल छोटे छोटे चरों के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, विभाजित कर देता हूँ। इस समीकरण को एक नया नाम दे देता हूँ, नई समीकरण के हिसाब से शो करता हूँ। उस समीकरण के अंदर देखो ये जो जितने भी पद हैं ये क्या है, अभी पहली कॉलम ये एक पंक्ति है और ये क्या है एक स्तंभ है। ये क्या है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला चर है। इसी में बोलता हूँ पहली पंक्ति का और पहला चर, ये पहली पंक्ति का दूसरा चर, तो इसे मैं बोलता हूँ A12। और ये क्या होगा, पहली पंक्ति का तीसरा चर, ये दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसे A21, A22 और A23। नीचे क्या होगा, A31, A32 और A33। इस मैट्रिक्स को एक नया नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। यानी इसकी जगह मैं आगे सारे कहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इस मैट्रिक्स को बदल के मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह नीचे वाली मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। कौन सी, और इसके साथ गुणा में क्या आएगा, एक्स वाई जेड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नई समीकरण बन गई, ठीक है। इसको समीकरण में क्या देता हूँ, ये छठी समीकरण थी तो इसको समीकरण दे देता हूँ मैं सात नाम। इस समीकरण को क्या नाम दे दिया, सात। अब देखो आगे वेग रूपांतरण समीकरण निकालनी है। तो वेग रूपांतरण समीकरण क्या होती है, अभी अगर आप स्थिति फलनों को समय के सापेक्ष अवकलित कर दो तो वह उसकी क्या आ जाती है, वेग की समीकरण आ जाती है। स्थिति की फलन को आप वेग के साथ अवकलित कर दो, स्थिति के फलन को अगर आप समय के सापेक्ष अवकलित करते हो तो वो क्या आ जाती है, वेग की समीकरण आ जाती है। स्थिति की यदि वेग की निकालनी है तो इसको क्या कर दो, अवकलन कर दो इसका। देखो किस प्रकार से अवकलन होगा, इसको मैं अगर गुणा करूं, इसकी मैट्रिक्स बनाना चाहूं तो x प्राइम के लिए क्या समीकरण बनेगी, भी बताना, x प्राइम के लिए समीकरण ये बनेगी क्या, a11x प्लस a12y प्लस a13z यही बनेगी, और कुछ बनेगी, यही बनेगी ना, और तो इसके अंदर कोई टर्म नहीं आएगी। तो देखो इसका मेरे को क्या करना है, अवकलन करना है। इस समीकरण का क्या करना है, मेरे को अवकलन करना है। तो समीकरण का अवकलन करके देखो, dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ समीकरण ऑफ इक्वेशन 7 करो। इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी, वाई प्राइम के लिए निकालोगे तो a21x a22y a23z। तो इसको अवकलित करो, डी एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई डी टी। अब इसमें ये बताओ, इसका अगर अवकलन करोगे तो a11 का तो होगा ही नहीं, ये तो क्या नीतांक है एक तरीके से, किसका होगा, अंदर वाले का। तो a11 dx by dt, a12 dy by dt, अरे a13 dz by dt। तो अगर आप क्या करोगे, x प्राइम का अवकलन करोगे तो कहेगा x प्राइम के हिसाब से वेग आएगा, s निर्देश तंत्र, s प्राइम निर्देश तंत्र का वेग आएगा। x का करोगे तो x दिशा में वेग आएगा, y का करोगे तो y दिशा में वेग आएगा, और z को करोगे तो z दिशा में वेग आएगा। तीनों दिशा में वेग आ जाएंगे आपके पास। तो इसका करोगे तो क्या आएगा, v प्राइम, यहाँ पे देखोगे तो a11 vx, ठीक है, यहाँ पे करोगे तो a12 vy, यहाँ पे करोगे तो a13 vz। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब इस समीकरण को एक बार मैं मिटा देता हूँ। ऐसे ही आप
हर समीकरण का अवकलन करते जाओगे। ये तो भी x की निकाली अपन ने, y प्राइम की निकालोगे तो क्या बनेगी, y प्राइम की इक्वेशन a21x a22y a23z, उसका समाकलन उसका अवकलन करोगे तो भी कुछ वेग की समीकरण आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ये कौन सी दिशा में आए हैं, x दिशा में, ठीक है। तो वी एक्स प्राइम आ गया, ये क्या है a11 vx + a12 vy + a13 vz, ऐसे ही v y के अंदर निकालोगे y प्राइम की बन जाएगी a21 vx + a22 vy + a23 vz, ऐसे यहाँ पे बनेगी z की, तो a31 vx + a32 vy + a33 vz, इनकी वापस एक मैट्रिक्स बन जाएगी, वो कुछ इस प्रकार होगी वी एक्स प्राइम वी वाई प्राइम और वी जेड प्राइम इक्वल टू a11 a21 a31। ये काफ़ी यहाँ से बोरिंग हो जाता है, लेकिन इक्वेशन अगर आपको बनानी है बुक, शायद आपके पेपर में इतनी लंबी ना आए, इतनी लेंथ ही ना आए, लेकिन अगर आपको दे रखी है बुक में तो आपको पता होना चाहिए ये आ कहाँ से रही है, ठीक है। वी एक्स वी वाई जेड, इस समीकरण को मैंने नाम दे दिया साथ, ये कहलाती है वेग के लिए रूपांतरण समीकरण। भैया इक्वेशन कहाँ से आई पता है सबको, ठीक है, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, ऐसे ही हर पंक्ति का हर कॉलम का गुणा करते जाओगे तो इक्वेशन बनती जाएगी, उनका आप अवकलन करते जाओगे तो वेगों की समीकरण आएगी, जैसे ये अपन ने निकाली है वैसे ही और आएंगी, ये भी आएगी और ये भी आएगी, इनसे एक समीकरण बनेगी, इनसे क्या बनेगा, वेग की समीकरण बनेगी, वेग रूपांतर समीकरण बनेगी, इसे बोलते हैं एक समान कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों में वेग रूपांतरण समीकरण। देखो क्वेश्चन बन सकता है कि एक समान कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों में त्वरण रूपांतर समीकरण निकालो, तो आपको वहां से लेके जहां से अपने स्टार्ट किया त्वरण तक खत्म करनी होगी, अभी वेग की आई है त्वरण की ओर निकालनी होगी आपको, तो त्वरण की निकालनी पड़ेगी, तो क्या करो स्थिति का जब अवकलन कर दोगे तो वेग की आ जाएगी, अरे वेग का अवकलन कर दोगे तो किसकी आ जाएगी, त्वरण की आ जाएगी, तो त्वरण की मैं सीधे बना देता हूँ, त्वरण की सीधी बना दी जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, देखो या तो त्वरण निकालना है तो स्थिति की मैट्रिक्स का दो बार अवकलन कर दो, भी त्वरण निकालते हो तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, भी x दिशा में निकालना है तो स्थिति का दो बार अवकलन कर दो, या क्या कर दो x दिशा में जो वेग है उसका एक बार अवकलन कर दो, दोनों मैट्रिक्स आपके पास वेग की भी है और स्थिति की भी है, तो देखो इसका अवकलन करोगे, दिख रही है क्या ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का अवकलन करोगे तो यहाँ पे तो क्या आएगा ax प्राइम, ये इसका होगा नहीं, a1 vx का अवकलन करोगे तो ax आ जाएगा, यहाँ पे a12 का होगा नहीं, vy का करोगे तो ay त्वरण आ जाएगा वही दिशा में, a13 का नहीं होगा, वी जेड का करोगे तो जेड दिशा में त्वरण आ जाएगा, जैसे मैं ए जेड से शो करूंगा वैसे ही और बनती जाएगी, जैसे वी की बनी है वैसे ए की बनती जाएगी, और इस प्रकार एक घूर्णी मैट्रिक्स इसकी और आ जाएगी, किसकी त्वरण की, जो कुछ इस प्रकार से डिनोट होगी ए एक्स प्राइम ए वाई प्राइम और ए जेड प्राइम इक्वल टू a11 a21 a31। यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एक्स ए वाई ए जेड, ये जो है ये मैट्रिक्स, ये क्या है त्वरण है, त्वरण की मैट्रिक्स है, किस निर्देश तंत्र में एस प्राइम निर्देश तंत्र में, ये भी त्वरण की मैट्रिक्स है लेकिन किस निर्देश तंत्र में एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र के त्वरण की संबंध आप एस डैश निर्देश तंत्र के त्वरण के साथ कर रहे हो किस फॉर्म में, गुणन मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो इसे क्या बोलते हैं निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। आपका टॉपिक यहाँ पे होता है ख़त्म, 40-45 मिनट की ये वीडियो बनी है जिसके अंदर एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना होगा, जो मेन डेरिवेशन आपने जो आधे पार्ट में है इसके वो ज़्यादा मेन है, ठीक है, उसके आगे आपको यहाँ तक अगर डिनोट करनी आ जाए तो आपको यहाँ तक करनी होगी, ठीक है, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।